मंथली कुछ 250 रुपीज़ लेता था व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। एक स्क्रिप्ट मुझे किसी ने दी और सोचा कि चलो आया हूँ तो एक्टिंग भी ट्राई कर ले। पहला दिन तो याद नहीं है, आई एम श्योर मैं तो बस मस्ती कर रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। हाय, दिस इज पारस अरोड़ा एंड आई एम डूइंग अ सेगमेंट कॉल्ड फर्स्ट इज विद टेली मसाला। फर्स्ट पे चेक, यू वॉन्ट मी टू टेल यू द अमाउंट? 20,000। बट एक्चुअली मैं उससे पहले का भी बता सकता हूँ, मैंने एक्टिंग से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। मैं डांस सिखाता था और मंथली कुछ 250 रुपीज़ लेता था व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। तो मैंने बचपन से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ऑडिशन, सो मैं ये सोच के नहीं आया था मुंबई कि मुझे एक्टिंग करनी है। आई यूज़ टू डांस और वही देखने के लिए आया था, बट उस टाइम ऐसे कुछ रियलिटी शोज नहीं थे। बट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहली बार एक स्क्रिप्ट मुझे किसी ने दी और सोचा कि चलो आया हूँ तो एक्टिंग भी ट्राई कर लेता हूँ। और वो एक पूरे एक पेज के आसपास का एक मोनोलॉग था और मैंने पहली बार में वो मोनोलॉग बोल दिया था। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और जो उस वक्त ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया था और प्रोड्यूसर के पास लेके गए थे, देखो ये क्या कर रहा है। तो हमेशा यादगार है मेरे लिए। फर्स्ट डे ऑन सेट, यार आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 13। तो मुझे ऐसे पहला दिन तो याद नहीं है, आई एम श्योर मैं तो बस मस्ती कर रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। अपने हिस्टोरिकल शो से स्टार्ट किया था तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। आई एम श्योर आई थिंक सबसे पहले मैंने कटरीना कैफ को देखा था और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी थी वो, अब आलिया भट्ट हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनके साथ मॉडलिंग की थी लैक्मे फैशन वीक में, जिनी एंड जॉनी ब्रांड है उसके लिए। तो वो मेरे लिए आई थिंक फैन मोमेंट था जब मैं उनका हाथ पकड़ के स्टेज पे रैंप वॉक कर रहा था। कार ही होगी यार, जब मैंने कार खरीदी अपनी पहली, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। फ़ोन वोन खरीदे या आई थिंक पहले मैं बहुत लंबे बाल रखता था, तो वो आई थिंक उसकी वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग बहुत चिढ़ाते उड़ाते भी थे बचपन में मुझे, क्योंकि इतने लंबे लंबे बाल रखता था मैं। तो या वो मेरे साथ काफ़ी हुआ है यार, ऐसे छोटे छोटे रिजेक्शन तो मतलब क्योंकि अब आदत पड़ जाती है इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हो। बट मेरे साथ मेजरली ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे एकदम ख़राब तरीके से कोई रिजेक्शन मिला हो। तो ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं है जो मुझे हर्ट किया हो। पहला क्या लिया होगा मैंने मतलब मैंने ऑफकोर्स जब छोटा था तब तो ज़्यादा भी एक्सपेंसिव लगता था यार, और तब अगर वहाँ से 7,000 रुपये की जैकेट भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगती थी, तो संभाल के रखने वाली चीज़ होती थी। मैंने बस 15-16 जब समझ में आया था कि अच्छा शॉपिंग करनी है, ऐसे ब्रांड्स होते हैं। तो हाँ, आई डोंट नो ये अच्छी बात है ख़राब बात है, बट मैं बहुत छोटा था, मेरे डैड यूज़ टू स्मोक एंड मुझे बड़ा उनको कुछ देने का वो गिफ्ट देने का वो था, तो मुझे वही चीज़ समझ में आती। तो मैं उनके लिए वो एक सिगरेट केस लेके आया था, मैंने बस 12 इयर्स ओल्ड उनके बर्थडे पे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद समझ में आया कि जब उनको बोला कि नहीं 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 ये छोड़ो, आपकी हेल्थ को नुकसान दे रही है, बट वो पहला गिफ्ट था जो मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ के डैड के लिए लेके आया था। यार मैंने एज सच कभी कुछ नहीं लिया। एक कॉम्पैक्ट स्टूडियो फिक्स यूज़ करता हूँ मैं, वही मैक का बस उतना ही यूज़ करता हूँ फेस पे, और वही ख़रीदा आज तक, सिर्फ वही ले रहा हूँ और कुछ नहीं लेता। कटरीना कैफ बस तो हुई थी, उनको तो मैंने जब देखा था तो मैंने उनको पहचाना नहीं था विदाउट मेकअप, वो इंडियन बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। तो वो ऐसे मुझे पास करके चले गए और मैंने पहचाना भी नहीं। फिर मेरे डैड ने बोला अरे कटरीना कैफ थी, कटरीना कैफ थी। फिर मैं ऐसे झाँक झाँक के ऐसे कोशिश कर रहा था कि वो अभी अंदर गई है तो मैं देख लूँ, बट मैंने सच में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना। फर्स्ट मूवी, मैंने थिएटर में पहली मूवी फैमिली के साथ देखी थी, हम साथ साथ हैं। माई फ्रेंड्स जो मेरे आई थिंक इंडस्ट्री वाले नहीं, जो मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं 13-14 सालों से जिनको जानता हूँ जब से मुंबई आया हूँ, आज भी वो मेरे साथ हैं। तो कभी भी कुछ होता है, कुछ शेयर करना होता है, तो सबसे पहले उनसे ही शेयर करता हूँ। ओट्स, स्ट्रॉबेरी एंड योगर्ट। माय बॉय सुनील भाई जो मेरा ध्यान रखते हैं और मेरी गाड़ी भी चलाते हैं। आई होप ये सेगमेंट आपको पसंद आए, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और देखते रहे मेरा शो दिल दिया गल्ला।